नमस्कार, एनबीसी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं दीप्ति राठौर आपके साथ। नजर डालते हैं इस वक्त की फास्ट खबरों पर। दांडी मार्च की वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने बापू को याद करते हुए किया ट्वीट और इसी बहाने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस ने किया बापू को याद, वहीं पीएम मोदी ने कहा कि गांधी के सिद्धांतों को भूल गई है कांग्रेस। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को जब राहुल गांधी बोल गए मसूद अजहर जी, भाजपा ने कसा तंज। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर सियासी घमासान मचना है तय। लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को भुना सकती है विरोधी पार्टियां। जनेवा में पाकिस्तान की हुई किरकिरी, पड़ोसी मुल्क से आए लोगों ने खोली सेना की पोल। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 40वें सत्र में पुलवामा आतंकी हमला और पाकिस्तान में आतंकवादी कैंपों का छाया रहा मामला। इस सत्र में पाकिस्तान की हुई खूब किरकिरी। पाकिस्तान के गुलाम कश्मीर, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने UNHRC की बैठक में पाकिस्तान के अत्याचार की खोलकर रख दी पोल। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। पीएम मोदी से मुलाकात पर बोले रणवीर सिंह, 1983 विश्व कप से जुड़ी बातें बताई। फिल्म 83 में रणवीर सिंह कपिल देव की निभाएंगे भूमिका। ये फिल्म भारत द्वारा पहली बार क्रिकेट में विश्व कप जीतने पर है आधारित। 2019 लोकसभा मिशन के महागठबंधन में बड़ी सरगर्मी, आरंभ होगा 2-3 दिनों में चुनाव अभियान। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ महागठबंधन में तेज हो गई है गतिविधियां। महागठबंधन में सीट शेयरिंग फैसले के बाद 2-3 दिन बाद आरंभ हो जाएगा चुनावी अभियान। देश में जाट राजनीति का रुख मोड़ने का श्रेय है राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र को। राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र राजनीतिक रूप से माना जाता है जागरूक। शेखावाटी आंचल में शामिल है सीकर, चूरू और झुंझुनू। संसदीय क्षेत्र में जाट और पूर्व सैनिक मतदाता हमेशा ही अदा करते रहे हैं निर्णायक भूमिका। केंद्रीय मंत्री ने किया दावा, भारत ने पाकिस्तान जाने वाला अपने हिस्से का रोका पानी। पुलवामा में हमले के बाद पाकिस्तान की ओर जाने वाली 3 नदियों का अपने हिस्से का पानी भारत ने रोका। हिंदुमल कोट बॉर्डर पर फिर घुसा पाकिस्तानी का UAV, मार गिराया सुरक्षा बलों ने। भारतीय सेना ने बीते 13 दिनों में पाकिस्तान के 8 UAV को मार गिराया। पाकिस्तान को सता रहा है डर, कहीं राजस्थान सीमा से सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे सेना। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहेंगे एनबीसी न्यूज 24। नमस्कार। सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।